हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लर्न चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट टू को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इस बारे में समझेंगे, लिटमस टेस्ट को पढ़ेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन को समझेंगे, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है इसको समझेंगे, मेटल्स की वाटर एसिड बेस के साथ रिएक्शन को समझेंगे, नॉन मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है इसे समझेंगे। इसके बाद अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पार्ट वन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लर्नर्स लर्न पर इसके अलावा साइंस के लिए केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन भी है और कंप्यूटर की एक सीरीज भी चल रही है। फ्रेंड्स, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट वन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था और मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हमने आयंस के बारे में समझा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज को समझा था। तो अब हम इसमें आगे मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड बेस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है उसे हम समझेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स। इसका मतलब है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। जैसे मैग्नीशियम है, ये एक मेटल होता है, एक धातु होता है जिसका सिंबल होता है Mg, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। तो जैसे जो कॉपर है वो भी एक मेटल है, एक धातु है, तो जब इसे एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये उसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuO। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये नेचर में बेसिक होते हैं, और ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं तो इसमें जो रेड लिटमस पेपर होता है ये उसको ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो जैसे यहाँ पे जो भी मेटल ऑक्साइड है उसके सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि लिटमस टेस्ट या लिटमस परीक्षण क्या होता है। द मेन यूज ऑफ लिटमस इज टू टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो जो लिटमस होता है इसका यूज अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू अंडर बेसिक कंडीशन। तो जो लिटमस पेपर होता है वो दो रंगों में होता है, एक होता है लाल कलर में और एक होता है नीले रंग में। तो यदि अम्ल होगा तो वो नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देगा, और यदि क्षार होगा तो वो लाल रंग के लिटमस पेपर को नीले कलर में चेंज कर देगा। तो आपको याद रखना है कि यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो गया है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक है, और यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया है तो इसका मतलब वो बेसिक है। जैसे यहाँ सॉल्यूशन में जब आप यहाँ पे लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे ही हमने इस वाले सॉल्यूशन में ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डिप किया तो ये रेड कलर में चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सॉल्यूशन दिया गया है, ये भी एसिडिक है बेसिक है, ये हमें इस तरीके से पता चला जब हमने इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डिप किया तो वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं।
जैसे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बनेगा जब एल्यूमिनियम एक जो कि एक मेटल है धातु है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। अब जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये इसमें एसिडिक करेक्टर भी होगा और ये बेसिक की तरह भी बिहेवियर करेगा। इस चीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इट इज व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड अ सोल्ट एंड इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे जो HCl है वो एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है ये एक बेस है, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं और वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो यदि मान लीजिए इस रिएक्शन में हमें पता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एक एसिड है और हमें प्रोडक्ट में सोल्ट और वाटर मिल रहा है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस होगा क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यानी Al2O3 है इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई तो हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जब इन दोनों की रिएक्शन कराई गई थी तो हमें एक सोल्ट मिला AlCl3 और वाटर मिला। तो जब हमें सोल्ट और वाटर मिला तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये एक एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो जब हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो Al2O3 है उसने बेस की तरह बिहेवियर किया है। इसी तरीके से एक दूसरी रिएक्शन में हम देखते हैं जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई यानी NaOH से कराई तो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हमें क्या मिला वाटर। तो जैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिला तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो ये रिएक्शन है वो एसिड और बेस के साथ हुई है। तो जब हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसने एक एसिड की तरह बिहेवियर किया है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी बिहेवियर करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, तो इसे हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपको याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है Al2O3 है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो जो धातुएं होती है उनकी ऑक्सीजन के लिए क्या रिएक्टिविटी है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, मतलब वे कौन सी धातुएं हैं मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ फास्टली रिएक्ट करती हैं, कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करती हैं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सभी धातुएं एक ही दर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट वन किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं। तो यहाँ पे जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मतलब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, जबकि जो मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी। तो जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगी तो वो ऑक्सीजन के साथ फास्टली रिएक्ट करेंगी। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो जिसके बारे में हमने पार्ट वन में भी पढ़ा था जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो पोटेशियम और सोडियम है ये दोनों मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है और यहाँ पे जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसे ये आसानी से लूज कर सकती हैं, तो इसलिए इनकी जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ वो काफी फास्ट होती है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विद एयर एंड वाटर, व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर और वाटर दे कैच फायर। तो जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये जब हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं और इस रिएक्शन में अधिक मात्रा में जो हीट है वो भी प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम है उसे केरोसिन ऑयल में मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है।
तो आपको याद रखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, एक तो वो ऑक्सीजन के साथ फास्टली रिएक्ट करते हैं, और जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं। इसलिए जो सोडियम और पोटेशियम है उसे केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो जैसा आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि जब सोडियम को वाटर में डाला गया तो एक तो इससे हीट प्रोड्यूस हुई और इसने आग भी पकड़ ली है इधर। तो आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर आग पकड़ लेते हैं। अभी हमने समझा जो पोटेशियम और सोडियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, ये ऑक्सीजन के साथ फास्टली रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस सीरीज में जो सबसे नीचे सिल्वर और गोल्ड प्रेजेंट है ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा गया है और इन्हें नोबल मेटल्स भी कहते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव, वेरी स्टेबल एंड आर प्लेस्ड बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज, hence they are called noble metals. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. तो जो सोना और चांदी होता है वो ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर भी रिएक्शन नहीं करते हैं because of a special ability in full and half full orbitals. तो जो elements होता है कोई, उसका यदि orbitals fully filled होता है तो वो stable होता है, और उसके बाद यदि orbitals half filled है तो वे stable होते हैं। तो इसी स्टेबिलिटी के गुण के कारण जो सोना और चांदी होता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर फेड्स आफ्टर सम मंथ्स और ईयर, जो चांदी होती है वो कुछ महीनों में या वर्षों में फीकी पड़ जाती है। सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर, सिल्वर फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड Ag2S विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, ये हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है और सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है, जो कि चांदी के ऊपर जो काली कोटिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। जो सिल्वर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और उसका सिंबल होता है Ag। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो गोल्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर है 79 और इसका सिंबल होता है Au। जब हम गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि एस में यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो हम इसे क्या कहते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन यहाँ पे एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हम इसे कहेंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि मैक्सिमम 2 आ सकते थे और 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड हैव ए सिंगल आउटर इलेक्ट्रॉन, द लोन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एस ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल इज दस हाफ फुल सिंस एस ऑर्बिटल्स कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर इज ऑल द अदर इनर ऑर्बिटल्स इन सिल्वर एंड गोल्ड आर फिल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी एस ऑर्बिटल में है जो कि हाफ फिल्ड है, और अंदर के जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। तो जो आफ्टर अ फुल ऑर्बिटल द नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल इज अ हाफ फुल वन, मतलब एक पूर्ण कक्षीय के बाद अगला सबसे स्थिर कक्षीय एक आधा भरा हुआ होता है। मतलब यदि सबसे पहले स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और उसके बाद स्टेबल कौन सा होगा, जो हाफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसी वाले स्टेबिलिटी के गुण के कारण जो सिल्वर है और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के प्रति क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, उनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यू टू द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी के कारण। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। तो जो कॉपर वेसल्स होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, ये लंबे समय तक यदि नम हवा के संपर्क में रखा जाए तो इनके ऊपर हरे रंग की कोटिंग आ जाती है। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू एयर इन रेनी सीजन, मतलब इस समय क्या होगा, हवा में नमी होगी। द मेटल रिएक्ट्स विद गैसेस एंड मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स अ ग्रीन कलर टू द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल। तो जब भी जो तांबे का बर्तन है वो नम हवा के संपर्क में आता है तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके कारण ही जो कॉपर वेसल होता है, तांबे का बर्तन होता है, उस पे हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। तो कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट हम
मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को समझेंगे। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो जो मैग्नीशियम होता है वो चमकदार सफेद लौ के साथ हवा में जलता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे बर्नर में, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया और जब इसे जलाया गया तो ये एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम बर्न्स सो ब्राइट बिकॉज द रिएक्शन रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। तो मैग्नीशियम इतना ब्राइटली इसलिए जलता है क्योंकि एक तो इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर सफेद पाउडर का मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है MgO, ये बनाता है और इससे एक तो प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है और हीट निकलती है। मैग्नीशियम गिव्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म दिस पाउडरी प्रोडक्ट। तो हमने भी पहले भी पढ़ा है जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती है, और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो मैग्नीशियम ही इस वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जिससे ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgO और ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस या सरफेस कोटिंग। अभी हमने पढ़ा जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोकने के लिए हम उसकी सरफेस पर कोटिंग कर देते हैं। जो इनकी सरफेस होती है उन पर कोटिंग किसी ऐसी मेटल की भी की जा सकती है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, या फिर हम किसी नॉन रिएक्टिव मेटल की कोटिंग भी कर सकते हैं। जैसे जो आयरन होता है तो उसपे हम जिंक की कोटिंग करते हैं जिसे हम गैल्वनाइजेशन भी कहते हैं। जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, या फिर हम जिंक वो आयरन पर टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं। टिन क्या एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो इस तरीके से हम उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स हैं उन पर हम जो ऑक्साइड है उसकी पतली परत के साथ भी कोटिंग कर सकते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है ये मेटल को, मतलब धातु को, फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। जैसे आप यहाँ पे एल्यूमिनियम देख रहे हैं, अभी इस पे कोटिंग नहीं की गई है, तो इसकी सरफेस पर ऑक्सीजन से भी ये रिएक्ट कर सकता है, वाटर से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस लगा देते हैं तो जो एयर होती है और वाटर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट एल्यूमिनियम से नहीं हो पाता है, तो ये क्या एल्यूमिनियम के फर्दर ऑक्सीडेशन होने से इसे रोकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, मतलब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। तो हमने पढ़ा था पहले कि जो मेटल था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था और वो नेचर में कैसा था, बेसिक था, मतलब वो जो रेड लिटमस को था वो ब्लू कर रहा था उसे। अभी यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है जो कि नेचर में कैसा है, एसिडिक है, मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. तो इसमें ये कह रहा है कि जो सल्फर है एक नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है जो आगे वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और ये क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है जिससे हमें पता क्या चलता है ये एक एसिड है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है जैसे कार्बन है, ये भी एक नॉन मेटल है, अधातु है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो कि फर्दर आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक कार्बोनिक एसिड बनाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2CO3। तो आपको याद रखना है जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं, जैसे ये CO2, SO2, NO2 है, और इसके अलावा ये न्यूट्रल होता है जिसका एग्जाम्पल क्या है H2O है। तो जो मेटल्स हैं वो तो जनरली उनके ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स हैं जनरली इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में।
नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब हम ये समझेंगे कि धातुएं वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड्स फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लेस्ड ऑल ओवर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें ऊपर जो मेटल प्रेजेंट होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो नीचे की तरफ मेटल प्रेजेंट होते हैं ये वाटर के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो मेटल है पोटेशियम और सोडियम है ये कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये क्या आग पकड़ लेता है। इसके बारे में हमने पहले भी स्लाइड्स में पढ़ा है। अभी तक हमने पोटेशियम और सोडियम मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन को समझा था। अब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इसे समझेंगे। हमने समझा कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मेटल ऑक्साइड आगे वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब ऑल ओवर रिएक्शन में क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अभी हमने समझा था कि जो पोटेशियम और सोडियम होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं और क्या आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन ये हीट इतनी सफिशियंट नहीं होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ सके, तो इसलिए इस ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होती। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। और इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये जो कैल्शियम होता है ये फिर पानी के ऊपर क्या तैरने लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन। तो जैसे जैसे हम इस एक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो ये मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अभी तक जो पोटेशियम सोडियम तो ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये गर्म पानी यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और रिएक्शन क्या होगी, Mg+ में 2H2O, मतलब मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्शन करी है और बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि जब हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये जो रेड लिटमस पेपर होता है उसे किसे ब्लू में चेंज कर देता है। अभी हमने समझा कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये ना ही ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। इससे पहले वाले रिएक्शन में हम मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो जब एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3+ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरीके से ये आयरन की रिएक्शन होती है। इसके अलावा जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मेटल्स आते हैं जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं कि नॉन मेटल मतलब अधातु वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो आमतौर पर जो अधातुएं होती हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करती है, हालांकि वे हवा में बहुत ज्यादा क्रियाशील हो सकती है। इसलिए जो ऐसे नॉन मेटल्स होती हैं उन्हें हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जो एक फ्लोरीन है ये एक नॉन मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फॉस्फोरस है वो एक बहुत ही क्रियाशील अधातु है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। यदि जो हवा के संपर्क में ये फॉस्फोरस आ जाता है तो क्या आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसलिए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस की रिएक्शन को रोकने के लिए इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं।
अब हम ये समझेंगे कि जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करती है। मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो जो मेटल्स जो इस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हैं, ये सारी मेटल्स डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, मतलब प्रतिस्थापित कर सकती हैं। एक्सेप्ट अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो कुछ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो इन मेटल्स को छोड़कर जो अदर मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको छोड़कर जो अदर मेटल्स हैं, वे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट कोई रिएक्शन दे दी जाती है और पूछते हैं कि इसमें कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो आपको याद रखना है जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो मेटल वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मेटल सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी तो फिर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2, और हाइड्रोजन गैस बनी। इसी तरीके से जब एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी तो बना एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन व्हेन हीटेड। तो जो कॉपर होता है वो गर्म करने पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, मतलब कि जो कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कॉपर चूंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है इसलिए वो उस एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस मींस दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड हेंस कैन नॉट डिस्प्ले इट फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशन। तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर ओनली रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स सच एज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल। तो जो कॉपर होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है। आपको याद रखना है कि जो कॉपर है वो कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि जो हाइड्रोजन है इस सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल प्रेजेंट है वे तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो इस हाइड्रोजन से नीचे मेटल प्रेजेंट है वे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या कम होती है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जो कॉपर होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ रिएक्शन करता है। अभी हमने समझा कि जब मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही थी तो उसमें मेटल सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, लेकिन जब धातु नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो HNO3 होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चूंकि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण कर देता है और खुद N2O, NO या NO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है ये डाइल्यूट HNO3 मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। अब हम मेटल्स की यानी धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया को समझेंगे। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जो पॉप ध्वनि होती है ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को इंगित करती है, मतलब यदि पॉप साउंड आया तो उसका मतलब वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है।
बेसिस रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक और एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक एंड वाटर टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये एक बेस है और जिंक क्या है, एक मेटल है. तो जब मेटल जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन करी है और यहाँ पे क्या वाटर भी प्रेजेंट है, तो क्या बना, एक तो सोडियम जिंकेट बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है. इसी तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस. इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी बेसिस के साथ रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उसके बारे में जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. आपको ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिंक और एल्यूमिनियम का, जो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और जो पॉप साउंड होता है वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को बताता है. अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. पहला प्रश्न है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ. ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी कॉपर आयन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो जब हमने मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो कॉपर वेसल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है और वो कोटिंग होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर और वाटर. ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम. तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम होती हैं वो ऐसी मेटल्स होती हैं जो एयर या वाटर के संपर्क में जब आती हैं तो क्या आग पकड़ लेती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पोटेशियम. नेक्स्ट है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर. ऑप्शन ए एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी बेसिक इन नेचर एंड ऑप्शन डी आइदर एसिडिक और बेसिक. तो जब हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि नेचर में बेसिक होते हैं. और इस चीज को हमने लिटमस पेपर से टेस्ट किया था कि उसमें जो लिटमस पेपर था लाल कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो रहा था, इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन ऑफ एश ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज. ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो जब हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है MgO, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है और नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, When MgO is dissolved in water, MgOH का whole twice is obtained. The solution thus obtained is dash in nature. तो इसमें कह रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, इसे जब वाटर में डिजोल्व किया गया तो हमारे पास MgOH का whole twice बनता है. तो हमें पता है कि जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एल्कलाइन और बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो इसमें पूछ रहा है कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है. ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस एसिड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड. तो हमने इस बारे में भी पढ़ा है, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2. नेक्स्ट है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर देन. ऑप्शन ए सल्फर इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड ऑप्शन डी सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड. तो जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 वाटर के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3. नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी SO2 एंड ऑप्शन डी H2SO3. तो जो H2SO4 होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है. तो यहाँ हमसे सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू. ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी डार्क ब्लू.
तो हमें पता है जो लिटमस पेपर होता है वो यदि एसिडिक कंडीशन होगी तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी दे आर ओनली एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी दे आर ओनली बेसिक ऑक्साइड्स एंड ऑप्शन डी दे आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। तो जब हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस डैश गैस। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सल्फर डाई ऑक्साइड। तो जब हमने मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स जैसे जिंक एल्यूमिनियम ये बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉर स्टोरेज। तो सोडियम मेटल को किस में स्टोर करके रखा जाता है इस बारे में हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वैसलीन, ऑप्शन बी कैरोसिन, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसे कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल कैच फायर इफ द एक्सपोज टू एयर। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि आपको नॉन मेटल के बारे में पूछा गया है, मेटल के बारे में नहीं पूछा गया है। तो जो फॉस्फोरस होता है यदि वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो आग पकड़ लेता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। ऑप्शन ए मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मेटल क्लोराइड, ऑप्शन सी मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन डी मेटल सल्फेट। तो इस बारे में भी हमने पढ़ा है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच थ्री सब्सटेंसेस आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। ऑप्शन ए आयरन सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन बी आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑप्शन सी स्टील ऑक्सीजन एंड आयरन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जब हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जंग लगने वाली अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वहां पे आयरन ऑक्सीजन और वाटर ये प्रेजेंट होता है जिससे लोहे पर जंग लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो हमने पढ़ा था जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमने पढ़ा था जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।